इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की गोरखपुर शाखा द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय परिसर में किया गया। प्रतियोगिता में अयोध्या दास इंटर कॉलेज, मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज सहित विभिन्न इंटर कॉलेजों के कुल 110 बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा एक ही दिन देश भर में क्विज प्रतियोगिता आयोजित करता है। प्रतियोगिता में चयनित बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं और राज्य स्तरीय चयनित प्रतिभागियों को नेशनल स्तर के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका प्राप्त होता है। प्रतियोगिता के दौरान इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज गोरखपुर शाखा के कन्वीनर महावीर प्रसाद कंदोई, डॉक्टर मुमताज खान, अजीत लाहड़ी, जितेंद्र द्विवेदी सहित संस्थान के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संस्थान के कन्वीनर महावीर प्रसाद कंदोई ने कहा, जिसका हिंदी में नाम भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यह भारतवर्ष में देश की धरोहरों और संस्कृति को संरक्षण हेतु एक संस्था है जिसको संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त। वास्तव में बच्चे भविष्य की नींव होते हैं और बच्चे अगर ये नहीं जानेंगे कि हमारी विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तो कैसे उसको आकर्षण पैदा करने के लिए हम लोग एक इंटेक से करीब 200 सवाल की प्रश्नोत्तरी दिए हैं जिसमें कि विभिन्न विरासतों का वर्णन और साथ में उसका उत्तर। उसमें से हम लोग 20 प्रश्न यहाँ पर एक क्विज में कर रहे हैं, उसमें 12 प्रश्न देश की विरासत के बारे में है, 3 प्रश्न इंटेक के बारे में है और 5 प्रश्न गोरखपुर की विरासत के बारे में। तो हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं कि कोई प्रतियोगिता करेंगे, कोई कंपटीशन करेंगे, हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 200 सवाल को बच्चे पढ़ेंगे तो वो 200 विरासत के बारे में जान जाएगी, उनमें जागरूकता होगा। इस प्रतियोगिता में लिखित राउंड में 4 टीमें विजयी होंगी, उनका फिर मौखिक राउंड होगा, उसमें से एक टीम विजयी होगी वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाएगी और राज्यों से जो एक टीम विजय होगी वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इंटेक हर 6 महीने पे विरासत से संबंधित पेंटिंग, चित्रकला प्रदर्शन या क्विज टेस्ट आयोजित करती है और गोरखपुर के सौभाग्य मिला है।